सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे में जो साइको होने वाला है उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आनी पड़ेगी। इसकी जो वेबसाइट का लिंक है मैं उसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। यहां पर देखिए क्या क्या गाइडलाइन है दिया हुआ है। सबसे पहले आप वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाइएगा, सीधे आप जॉब न्यूज पर आइएगा और यहाँ पर आने के बाद देखिए खुल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैं जूम भी कर दिया हूँ। वैसे इस वेबसाइट पर आप अगर जेई का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर आकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। देखिए क्या क्या रेलवे के साइको के एग्जाम में आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है और कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उन सभी का एग्जाम्पल दिया हुआ है इस गाइडलाइन में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएंगे। यहाँ देखिए गाइडलाइन में यहाँ दिया हुआ है न्यू गाइडलाइन फॉर LP साइको टेस्ट, ठीक है। यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। आप अगर खुद से पढ़ना चाहें तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं, जो लिंक मैं दूंगा वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या आएगा, किस टाइप से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। आमतौर पर परीक्षण छोटे समूहों में किए जाते हैं जहां उम्मीदवारों को ऑप्टिकल मार्क रीडर मतलब कि OMR शीट, आंसर शीट जो होता है, पर परीक्षण पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका जो इस बार होने वाला है साइको टेस्ट, उसमें आपका CBT होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो इसलिए ध्यान रहे कि यहाँ पर OMR शीट आपको नहीं मिलेगा। मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि पिछले बार जो भी एग्जाम्स हुए थे उसमें OMR शीट दिया गया था और उसका प्रारूप भी मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर। यहाँ देखिए अब इसमें क्या है, आप देखिए भारतीय रेल पर उपयोग किए जाने वाले कार्यों के प्रकार, द टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज्ड ऑन इंडियन रेलवे। सबसे जरूरी बात यहाँ पर है कि ये नोट में सबसे जरूरी बात दिया गया है कि यहाँ दिखाए गए परीक्षणों के उदाहरण केवल सांकेतिक हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के ये किसी भी समय बदल सकते हैं। मतलब कि जितने टाइप के यहाँ पर दिखाए गए हैं साइको के टेस्ट होने वाला है, ये साइको का टेस्ट आ भी सकता है और इसके अलावा भी और भी जितने टाइप के साइको टेस्ट होते हैं उन सभी साइको टेस्ट में से कोई भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको सारे तरह के साइको टेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला टेस्ट जो है वो टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस, आपके इंटेलिजेंस को मापने के लिए टेस्ट करें, ठीक है। तो इस परीक्षण में क्या होता है, प्रत्येक समस्या में 5 आंकड़े शामिल होते हैं, ठीक है। ये 5 आंकड़े शामिल हैं और जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, ठीक। तो आपको वह पता लगाना आवश्यक है जो अन्य 4 से अलग है। मैंने लाइव वीडियो भी इसकी डाले हुए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आ गया है, आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब आ गया है, जो कि आज मैंने लाइव क्लासेस लिया था, तो इसके लिए थोड़ा आपको यहाँ पर तकलीफें आ रही होंगी। लेकिन मैं अब लाइव क्लास के अलावा कुछ दूसरे तरीके से क्लास लूँगा जिसमें आपको उसी तरह का सेम प्रोसेस रहेगा। आप वीडियो को देखिए और पहले समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सवाल है कह रहा है, क्या सवाल का उत्तर होगा, उसके बाद आपको आंसर का रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये 5 आंकड़े दिए गए हैं, मतलब 5 फिगर आपको दिया गया है, इसमें से एक फिगर जो अन्य सभी फिगर से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पहला साइको टेस्ट जो है इसकी मापन करना है। और प्रत्येक साइको टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर
42 क्वेश्चन, मतलब कि 42 नंबर आपके आने जरूरी है, जितने भी 100 नंबर के हो या 80 नंबर के हो या फिर जितने भी नंबर के हो, मतलब कि 42% आपका आंसर सही होना चाहिए, तब जाकर आप साइको टेस्ट में क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन चार पांचों चित्र में एक ये भिन्न है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर डेप्थ परसेप्शन। ठीक, आपके गहराई धारण को मापने के लिए जो टेस्ट है यहाँ पर वो है। यहाँ देखिए दिया हुआ है चित्र में, इस परीक्षण में आपको कुछ ईंटों के साथ ए बी सी आदि ईंटों का ढेर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी डी ई ईंटों के साथ और भी ईंट दिखाई दे रहा है, जिसे ईंट का भट्टा लगाया जाता है। तो उस समय इस तरह से आप देखते होंगे कि ईंट को सजा कर रखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर ईंट के बारे में आपको बताना है कि ये कितने ईंट हैं यहाँ पर, कौन सा ईंट किस ईंट से सट रहा है, किस ईंट से नहीं छुपा रहा है, तो वही सब आपको यहाँ पर बताने का है। और यहाँ सभी ईंट का साइज सेम है, एक बराबर है, तो इसमें बताना ये है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा ईंट किसके साथ में टच कर रहा है, तो एक के साथ देखिए कितने ईंट टच कर रहा है, तो यहाँ पर 3 ईंट जो है जो कि एक के साथ टच कर रहा है। कैसे, एक के बगल वाला ये ईंट हो गया एक, ठीक, और ऊपर वाला ये डी नंबर वाला जो है ये ईंट हो गया दो, दो ईंट अभी टच कर रहा है, और एक ये एक के नीचे वाला ये ईंट, ये तीनों टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है ए को। तो ए से टच करने वाले मतलब इस ए को छूने वाले ईंटों की संख्या कितनी है, 3 है। उसी प्रकार बी को छूने वाले ईंटों की संख्या आपको बतानी है, तो बी को छूने वाली यहाँ पर देखिए कितने ईंट बी को छू रहे हैं, बी ईंट यहाँ पर है, तो बी के बगल वाला सबसे पहले ईंट देखते हैं, ये ईंट एक हो गया, तो ये एक ईंट छू रहा है। ठीक, इसके बाद बी चूंकि ऐसे लंबा लंबी रखा हुआ है इस तरह से, तो इसके नीचे यहाँ पर देखिए 2 ईंट हो जा रहा है, एक ई हो जा रहा है और एक ये ब्लैंक, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, ये मतलब कि 2 ये ईंट हो गया और एक ये ईंट, 3 ईंट हो गया। 3 ईंट के बाद देखिए बी के ऊपर कौन सा ईंट आ रहा है, सी वाला ईंट आ रहा है, और सी के जस्ट बगल वाला ये भी जो कि ब्लैंक है, मतलब कि कुल मिलाकर 5 ईंट बी को टच कर रहे हैं। तो इसी तरह से सी कितने ईंट को टच कर रहे हैं, डी कितने ईंट को टच कर रहे हैं, ई कितने ईंट को टच कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, और इसी से रिलेटेड आपके साइको में पूछे जाएंगे। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ पर आकर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एक बार समझ जरूर लीजिए कि क्या है इसमें। देखिए यहाँ तीसरा टेस्ट जो है यह पता लगाने के लिए कि एक परीक्षण है कि आप कितनी जल्दी 2 नंबरों के बीच में तुलना कर सकते हैं, तो ये तुलनात्मक प्रश्न इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चन आपको मान लीजिए 4 मिनट में या 5 मिनट में आपको करने होंगे, उस तरह से यहाँ पर दिया गया है कि आप 1 मिनट में कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 मिनट का वैसे टाइमिंग इसका रहता है, पहले जो भी साइको टेस्ट हुआ है उसमें 4 मिनट में 96 क्वेश्चन करने होते थे, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर ये मैच कर रहा है, दोनों शब्द सेम है, तो आपको सिंपली यस पर क्लिक करना होगा, और अगर दोनों में कोई भी अक्षर भिन्न है तो आपको एन वाले मतलब कि नो वाले बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला वाले में देखिए सेम है, दोनों है, अच्छा, तो यहाँ यस का जो ऑप्शन रहेगा वहाँ यस वाले पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका 6 8 बदल दिया गया है एक दूसरे से, तो यहाँ नो वाले पर क्लिक करना होगा। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं चौथा टेस्ट पर, ये टेस्ट है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर परसेप्सुअल स्पीड। यहाँ पर आपकी अवधारणात्मक गति को मापने के लिए ये परीक्षण, ये टेस्ट कराया जाता है, जो कि यह एक परीक्षण है कि आप कितनी तेजी से और सही तरीके से किसी वस्तुओं को देखते हैं और उस वस्तुओं का मिलान कर सकते हैं। बाईं ओर यहाँ पर देख रहे हैं बस दिया गया है और उसी में से 5 बस इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सभी बस में से आपको छांटना है कि कौन सा बस गलत है, तो यहां पर देखिए कि कौन सा बस गलत है और कौन सा बस सही है, वो मिलान करना है।
तो यहाँ देखिए आपको बस में मिलाना है, तो पहला बस जो है वो सी नंबर वाले बस से मैच कर रहा है, ठीक है, और बाईं ओर दूसरी बस को देखें, और उसके बाद देखिए दाईं ओर कौन सी बस इससे सबसे अधिक मैच कर रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, मान लीजिए पहला का सी मैच कर रहा है, दूसरा का कौन सा डी वाला मैच कर रहा है, या फिर तीसरा का बी वाला मैच कर रहा है, इस तरह से आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन सा बस मैच कर रहा है। इस टाइप के एक क्वेश्चन, मतलब कि आपके करीब 76 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जिसमें 42% नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य है। इसके बाद देखिए अगला टेस्ट होता है, वो टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनालिटी, मतलब आपके व्यक्तित्व को मापने के लिए परीक्षण कराया जाता है। और इसमें क्वेश्चन इस टाइप का आता है, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आई प्रेफर पीपुल हु आर रिजर्व, ऑप्शन बी इन बिटवीन, ऑप्शन सी मेक फ्रेंड्स क्विकली। तो ये मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो, ये क्वेश्चन हिंदी में हो गया, जो कि रिजर्व होते हैं, मतलब सेवित होते हैं, या फिर बीच में होते हैं, या दोस्त जल्दी बनाने वाले होते हैं। तो इस टाइप में सबका आंसर अलग अलग होता है, जितने भी कैंडिडेट रहते हैं, क्योंकि सभी का दिमाग एक जैसा नहीं है, और सभी लोग इसमें से कोई भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसमें जिस आंसर का सबसे ज़्यादा आंसर मिलेगा कैंडिडेट के द्वारा, तो उस आंसर को सही मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 5 टेस्ट आपके यहाँ पर पूरे हुए हैं। इसके बाद आपको क्या क्या जरूरी है, क्या करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे आपको। यहाँ देखिए दिया हुआ है सीवीटी मोड में अपने उत्तर को कैसे देना है, आपको सिंपली माउस पर क्लिक करके उत्तर को रिकॉर्ड करते जाना है, और जब एग्जाम्स का एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड आने से पहले ही मॉक टेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। और आपको क्या क्या करना है जिससे कि आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए पढ़ें, जब सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, रात में कभी रात भर जगे नहीं, और रात में अच्छी नींद लें। और उसके बाद आपको दूसरी बात पर ये ध्यान देना है कि आपको जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं करना है, आप एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके अपना काम कीजिए। और इसके बाद अगर आप चश्मा या श्रवण यंत्र पहनते हैं तो आपको उसे अपने साथ साइको टेस्ट में ले जाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद देखिए जब एग्जाम शुरू हो जाएगा तो इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है उसके लिए, इंस्ट्रक्टर के वहाँ पर क्या आपको बताते हैं, उन सभी बातों को ध्यान से सुनना होगा। निर्देशों को ध्यान से सुने, जैसा बताया गया है वैसा ही करें, प्रश्न पूछने से डरे नहीं, और उत्तर देने से पहले प्रत्येक प्रश्न के बारे में जरूर सोचें, और जल्दी और सही तरीके से काम करें, क्योंकि अधिकांश परीक्षण में समय सीमा कम होती है, क्योंकि मैं बताया हूं कि समय बहुत ही कम होता है, जैसे 4 मिनट में आपको 76 क्वेश्चन भी करने पड़ सकते हैं, और या फिर 6 मिनट में 96 क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसलिए समय कम रहता है, और जो जो कठिन प्रश्न हो उस पर समय बर्बाद नहीं करें, और जितना हो सके उतना प्रयास करें, और जितने अधिक प्रश्न सही होंगे आपका स्कोर उतना ही अधिक होगा। और अपने पड़ोसी का उत्तर की कॉपी ना करें, क्योंकि आपकी पड़ोसी का जो क्वेश्चन टेस्ट बुकलेट या फिर सीबीटी मोड में होगा, तो उनका जो सेट रहेगा वो आपसे अलग रहेगा, ठीक है। और रेगुलर अपडेट के लिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि इस जो वेबसाइट है इसे फॉलो कीजिए, और ईमेल डालकर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो भी नई नई बातें हैं, नई जानकारी है, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी साइको के कैंडिडेट वो तैयार हो रहे हैं वो सभी लोग तक पहुँच जाए अच्छे से, और वो अपना साइको का एग्ज़ाम अच्छे से दें। और जो लोग पहली बार आए थे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, और मैं लाइव क्लास शुरू कर दिया हूँ, और क्लास शुरू हो गया है। आप लोग जल्द से जल्द 11 साढ़े 11 बजे मॉर्निंग में आप लोग डेली आ जाएं, तो आप अच्छे से अच्छे चीज़ उस समय सीख सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।